नमस्कार, आसमान डिजिटल ब्रेकिंग में अभी की बड़ी खबर आपके सामने। टीम इंडिया के साथ बुधवार को बड़ा धोखा हो गया और वो भी आईसीसी की तरफ से। टीम इंडिया के साथ धोखे पर अब आईसीसी को माफी मांगनी पड़ गई है। इस बात को लेकर इतना बवाल मचा हुआ है जिससे हर कोई हैरान है। दरअसल आईसीसी की तकनीकी गलती की वजह से टीम इंडिया बुधवार को जारी लेटेस्ट आईसीसी रैंकिंग में दुनिया की नंबर वन टेस्ट टीम बन गई थी, जिसके बाद महज 6 घंटों के बाद ही वह दूसरे नंबर पर खिसक गई। आईसीसी को इस बड़े ब्लंडर की वजह से सोशल मीडिया पर फैंस की भयंकर ट्रोलिंग का भी सामना करना पड़ा है। आईसीसी ने इसके बाद अपना बयान जारी कर टीम इंडिया से माफी भी मांगी है। आईसीसी ने अपना बयान जारी करते हुए कहा, आईसीसी स्वीकार करता है कि 15 फरवरी 2023 को आईसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर एक तकनीकी गलती की वजह से भारतीय टीम को टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 प्रदर्शित किया गया था। इस असुविधा के लिए हमें खेद है।